hello friends today we will discuss the chapter 6 poets and pancakes written by soka mitran about the author 1931 a tamil writer recounts his years at Germany studio in his book my years with boss which talks of the influence of movies on every aspect of life in india शोका मित्रन जो है एक तमिल राइटर जो थे और उन्होंने रिकाउंट किया है मतलब अपनी यादों को अपनी बुक में माय इयर्स विद बॉस में जो है लिखा है कि वो जेमिनी स्टूडियो के बारे में उन्होंने लिखा है विच टॉक्स अबाउट इन विच ही टॉक्स अबाउट जिसके में वो बात करते हैं हमें बताते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ मूवीज उनके जीवन पर जो मूवीज थी उसका कितना प्रभाव पड़ा ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ और हर जो पहलू था लाइफ का इन इंडिया में जो भी वो मूवी वहां बन रही थी उनका उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा उन्होंने उसको अपनी बुक में लिखा द जर्मनी स्टूडियो लोकेटेड इन चेन्नई और ये जो स्टूडियो था ये चेन्नई में लोकेटेड था वॉज सेटअप इन नाइनटीन फोर्टी और ये नाइनटीन फोर्टी में इसका सेटअप हुआ था यानी कि इसको लॉन्च किया गया था इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुन्टल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन ये एक बहुत बड़ी संस्था थी और बहुत ही इन्फ्लुन्टल फिल्म प्रोड्यूसिंग संस्था थी यानी कि इनका वहां पर उन दिनों चेन्नई में बड़ा ही प्रभाव था संस्था का इंडिया इन द अर्ली डेज ऑफ इंडियन फिल्म मेकिंग उन दिनों जब अर्ली डेज थे जब फिल्म बना करती थी इंडिया में ए उस तब उनका बड़ा प्रभाव रहा वहां पे इट्स फाउंडर वॉज एस एस वासन और जो उनके फाउंडर थे वो एस एस वासन जो नाम के व्यक्ति थे द ड्यूटी ऑफ अशोका मित्रन इन जर्मनी स्टूडियो वॉज टू कट आउट न्यूज पेपर क्लिपिंग और वहां पर जो ऑथर थे उनकी जो ड्यूटी लगा दी वहां वासन ने एस एस वासन ने स्टूडियो के अंदर कि जो न्यूज़पेपर के अंदर जो क्लिपिंग आती है उसको कटिंग किया जाए ना वाइड वैरायटी बहुत अधिक मात्रा में ऑफ सब्जेक्ट्स पर अलग अलग एंड स्टोर दैम इन फाइल्स और उनको कहा क्या करे फाइल्स में लगा दे मैनी ऑफ दीज हैड टू बी रिटर्न आउट बाय हैंड कुछ तो उनको जो थे बहुत सारी तो उनको हाथों से भी लिखनी पड़ जाती थी बना के कुछ ऑल दो ही परफॉर्म्ड एंड इन सिग्निफिकेंट फंक्शन ही वॉज द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड यद्यपि वो उनका जो काम था बड़ा छोटा सा ऐसा लगता था कि बहुत ही इनसिग्निफिकेंट ये कोई काम थोड़ी है फंक्शन था मतलब काम था ही वॉज द मोस्ट वेल इन्फॉर्मड ऑफ ऑल द मेम्बर्स ऑफ द जर्मनी फैमिली और परंतु उसके बावजूद भी वो बड़े वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन जो थे वहां पे जाने जाते थे द फॉलोइंग इज एन उनका बड़ा रुतबा था वहां पे द फॉलोइंग इज एन एक्सर्ट फ्रॉम द बुक माई ईयर्स विद बॉस उसमें से जो है ये जो एक्सर्ट लिया गया है बच्चों के लिए ये माई ईयर्स विद बॉस है उसमें से कुछ भाग जो है वो निकालकर जो सिलेबस में डाला गया है नोटिस दीज वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन इन द टेक्सट फॉर देअर मीनिंग फ्रॉम दू ये जो वर्ड है ये आपको वहां पर जो है चैप्टर के अंदर मिलेंगे ब्लू ओवर होता है जैसे फूड पढ़ना सा कैटाफुलटेड होता है तेजी से प्रभाव डालना किसी तेजी के साथ पढ़ना प्लेड इन देअर हैंड्स उनके हाथों में खेले जाना हर्ड अ बेल रिंगिंग की बेल की जैसे रिंग सुनाई देना वॉस्ट्रक डम्प जैसे सुन पड़ जाना कोर्ट ऑफ मेल जो है वो अ फेवरेट हॉन्ट फेवरेट हॉन्ट मीन्स ऐसा प्लेस है ये सब वर्ड्स जो आपको यहाँ पे मिलेंगी पैन केक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मेटीरियल दैट जैमनी स्टूडियो बॉट इन ट्रक लोड्स हाँ अब ये जो कहानी है वो एक स्टूडियो की है तो नेचुरल बात है कि जो स्टूडियो है फिल्म बन रही है तो वहां पर जो है मेकअप का सामान तो आएगा ही आएगा अब पैन केक क्या है एक ब्रांडेड नेम है जो मेकअप का किट जैसे समझ लो वो ट्रक की ट्रक भर के ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल जो था दैट जैमनी स्टूडियो बॉट इन ट्रक लोड्स यानी ट्रक भर के लोडिंग होके पैन के नाम का एक ब्रांड जो था वो वहां पर आता था स्टूडियो के अंदर ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज्ड इट ग्रेटा गार्बो जो है उसने जरूर इस ब्रांड को यूज किया जो, जो होगा मिस गौहर मस्ट हैव यूज उसने अवश्य मिस गौहर ने भी इसको यूज किया होगा वैजयंती माला मस्ट हैव यूज इस उन दिनों वैजयंती माला भी एक बहुत बड़ी हीरोइन हुआ करती थी साउथ की उसने भी यूज किया था बट रति अग्निहोत्री मे नॉट हैव हर्ड ऑफ इट परंतु रति अग्निहोत्री भी साउथ से ही आई थी फिल्मों में हिंदी फिल्मों में उसने नहीं सुना होगा कहने का तात्पर्य यह है कि जो जैमनी स्टूडियो में काम करने वाले थे उनमें ग्रेटा गार्बो जो थी मिस गोहर व जयंती माला जैसी बड़ी नामी जो थी अस्थियां थी उन्होंने इस ब्रांड के बारे में अवश्य ही सुना होगा और यूज भी किया होगा परंतु रति अग्निहोत्री जो थी उन दिनों उसने ये, ये ब्रांड को नहीं सुना होगा द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जर्मनी स्टूडियो वॉज इन द अपस्टेयर ऑफ अ बिल्डिंग दैट वॉज बिलीव टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव स्टेबल और जो ये मेकअप डिपार्टमेंट था जेमनी स्टूडियो का ये ऊपर था ऊपर की मंजिल यानी ऊपर की मंजिल पे था और ये विश्वास किया जाता है कि ये रॉबर्ट क्लाइव का जो स्टेबल था उसके ऊपर था यानी कि रॉबर्ट क्लाइव की जो जगह थी उस पर लिया गया था अ डजन अदर बिल्डिंग इन द सिटी आर सेट टू हैव बीन हिज रेजिडेंस और भी दर्जनों कहा जाता है कि उसकी सिटी के अंदर बड़ी दर्जनों जो थी उसके निवास थे, थे रहने की जगह थी उसकी किसकी रॉबर्ट क्लाइव की फॉर फर्स्ट ब्रीफ लाइफ एंड एन ईवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास और उसका फर्स्ट जो ब्रीफ था लाइफ का वो और ब्रीफर जो था स्टे उनका मद्रास में था रॉबर्ट क्लाइव का सीम्स टू हैव डन अ लॉट ऑफ मूविंग उसकी जो है सब प्रतीत होता है कि वो मूविंग जो होती रहती थी उसकी बिसाइड फाइटिंग सम बैटल्स इन रिमोट कॉर्नर्स और ऐसी जगह पे रिमोट कॉर्नर्स ऐसी होती है जो कि दूर दराज के इलाके जिसको आप कह सकते हैं वहां पे इम्पॉसिबल बैटल्स जो थी उसने फाइट की थी रॉबर्ट क्लाइव ने ऑफ इंडिया इंडिया में एंड मैरिंग अ मेडन और एक ऐसी लड़की कन्या जिसको समझ सकते हैं आप मतलब अविवाहित जो है उससे शादी की उसने इन सेंट मेरी चर्च इन फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास और मद्रास के एक सेंट मैरी चर्च में एक लड़की के साथ कन्या के साथ उसने विवाह भी रचाया उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी रेजिडेंस थी यानी कि बिल्डिंगें थी उसकी उसमें से एक बिल्डिंग को जर्मनी स्टूडियो का जो मेकअप रूम था बनाया गया था द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ हेयर कटिंग सलून ंगल अराउंड हाफ अ डजन लार्ज मिरर अब जो मेकअप रूम है ये आप अंडरस्टूड है इतना तो आप समझ जाते हैं कि मेकअप रूम कैसा होता है उसके अंदर एक हेयर कटिंग होती है लाइट्स होती हैं, हर तरीके का मेकअप का सामान रहता है और वो भी ऑथर भी यही बता रहे हैं कि लुक जो था हेयर कटिंग सैलून जो था विद लाइट्स ऑफ ऑल एंगल्स सभी कोनों से एंगल्स के मतलब कोनों से अराउंड हाफ अ डजन लार्ज मिरर लगे हुए थे सभी कोनों से लाइटें लगा रखी थी कोनों पे और आधा दर्जन तो उन्होंने मिरर लगा रहे थे जिसपे वो उसको मेकअप के बाद देखा जाता था देवर ऑल इन कैंडेसेंट लाइट्स इन इन कैंडेसेंट लाइट्स होती हैं जो बड़ी ही रिलीज हीट रिलीज करती है मतलब बड़ी मात्रा में हीट उत्पन्न होती है उसपे सो यू कैन इमेजिन द फायरी मिजरी ऑफ दो टू मेकअप तो आप समझ सकते हैं औथर यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि आप समझ सकते हैं कि कितना फायरी मिजरी रहा होगा दुर्दशा रही होगी आग जैसी उनकी उसमें से निकलती थी क्योंकि बड़े बड़े बल्ब लगे होते हैं जिसकी वजह से ऑफ दो सब्जेक्ट टू मेकअप और जो लोग वहां पे मेकअप कर रहे हैं करवा रहे हैं उनकी क्या दशा होती होगी द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हेडेड बाय अ बंगाली हु बिकेम टू बिग फॉर अस्टूडियो एंड लेफ्ट अब जो मेकअप डिपार्टमेंट था वो हेडेड किया जाता था कि उनके द्वारा चलाया जाता था उनके हेड थे वहाँ पे एक बंगाली वो का मतलब है मतलब पोस्ट से जैसे बड़े हो जाना उनका मतलब सम्मान करते थे फॉर अ स्टूडियो एंड लेफ्ट अब वो लेफ्ट कर चुके थे स्टूडियो ई वॉज सक्सीडेड बाय अ महाराष्ट्रियन हुटेड बाय अरकर कनाडिगा और जो जो अब थे वो महाराष्ट्र के थे और वो असिस्ट कर रहे थे धावरकर कनाडिगा से वो उसको सफलता से मतलब चला रहे थे कनाडिगा एंड आंध्रा मद्रास इंडियन क्रिश्चियन एंड एंग्लो बर्मीज एंड द यूज लोकल तमिल्स जो थे वहां पे उस काम के अब उस स्टूडियो में काम करने वालों के ये सब बताया कि वो कहाँ कहाँ के थे यानी कि एंड आंध्रा का था एक

जो ये सब चीजें ये सब शो करता था दिखता था दैट देयर वॉज अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन कि राष्ट्रीय एकता का प्रतीक दिखाई देता था लॉन्ग बिफोर ए आई आर ऑल इंडिया रेडियो में दूरदर्शन विज्ञान हुआ ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम्स ऑन नेशनल इंटीग्रेशन ये सब एकता का प्रतीक दिखाते थे यानी कि सभी प्रांतों के लोग वहां काम करते थे और ऐसे लगता था दूरदर्शन ले जो ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम है वो नेशनल इंटीग्रेशन को दिखाता था यानी कि जर्मनी में काम करने वाले लोग भी एक नेशनल इंटीग्रेशन को दिखाते थे हर प्रांत से वहां पर लोग आए हुए थे और जो वो वहां पर काम करते थे और एक गैंग था दिस गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन कुड टर्न एनी डिसेंट लुकिंग पर्सन इन टू हिडिशियस क्रिमसन ह्यूड मॉन्स्टर विद द हेल्प ऑफ ट्रक लोड्स ऑफ पैनकेक अब जो ये पैनकेक के बारे में बात करें कि जो दिस गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड और ये जो गैंग था यानी मेकअप मैन का जो ग्रुप था उसको गैंग कहा गया ग्रुप ऑफ पीपल को नेशनली इंटीग्रेटेड जो लोग थे वो मेकअप करते थे मैन का खुद टर्न अच्छे भले आदमी को टर्न एनी डिसेंट लुकिंग पर्सन को अच्छा भला दिखने वाला आदमी कोस क्रिमसन यानी कि अगली सा क्रिमसन होता रेड कलर का ह्यूड मॉन्स्टर सा रक्षिस की तरह बना देते थे मेकअप कर करके उसके मुंह पे थोप थोप के विद हेल्प ऑफ ट्रक लोड्स ऑफ पैनकेक एंड नंबर ऑफ अदर जो ट्रक जो भर भर के आते थे पैनकेक्स के मेकअप का जो सामान आता था उसको अच्छे भले आदमी को वो एक राषस जैसा बना देते थे जैसा जैसा डिमांड होती थी फिल्म की and a number of other local made पोशन and lotions, और जो अदर लोकल लोग थे वो भी एक potion में रहता magical, magical सा बना देते थे एक जादू जैसा क्योंकि वो lotions लगा लगा के makeup कर, कर के उसको ऐसा तैयार कर देते थे Those were the days of mainly indoor shooting. उन दिनों क्या होता था कि जो shooting होती थी वो indoor होती थी and

सेट होता था स्टूडियो होता था लाइट्स होता था उनको जरूरत पड़ती थी गर्ल्स की बॉयज की ये सभी चीजें जो थी उनको जो लोगों को क्या करती थी अगली बनाती थी यानी कि यहां पे अगली का मीनिंग वो नहीं कि भद्दा सा बना देना उनको मेकअप देना अकॉर्डिंग टू देयर करेक्टर्स अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट ऑफ द स्क्रिप्ट उसके अकॉर्डिंग उनको अगली बना देना वो लुक दिखाई देती थी इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवी ताकि वो मूवी में जो चीज वो चाहते थे डायरेक्टर वो प्रेजेंटेबल लगे उनको तो ये काम जो था होता था वहां पर तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक डायरेक्टर का जो चेयर है वो इस प्रकार से होता है इस पे लिखा होता है जिस पे डायरेक्टर बैठ के अपना डायरेक्शन देता है अस्टिक हायर आर की वॉज मेंटेन इन द मेकअप डिपार्टमेंट अब स्टिक हरारकी भी मेंटेन की जाती थी अब हरारकी क्या होता है हरारकी होता है कि आपको आपकी पोजीशन के अनुसार काम मिलेगा वहां पर जो इतने लोग 600 पीपल जो थे वो जैमिनी स्टूडियो में काम करते थे जिसकी वजह से सबको अपना काम सौंपा गया था क्रम के अनुसार पद के अनुसार उनको काम दिया जाना उसको हरारकी कहते हैं वॉज मेंटेन इन द मेकअप डिपार्टमेंट मेकअप डिपार्टमेंट में बनाया गया था हरारकी को मेंटेन किया गया था द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर एंड एक्ट्रेस अगली जो चीफ मेकअप मैन होता था जो हेड होता था ना उनका चीफ मेकअप वालों का वो जो था मेन जो चीफ एक्टर यानी कि हीरो हीरोइन जो मेन लीड रोल जिसको हम कहते हैं करते उनको अगली बनाते थे उनको उसका सारा मेकअप करते थे ही सीनियर असिस्टेंट द सेकेंड हीरो एंड हीरोइन उसका जो सीनियर असिस्टेंट होता था वो सेकंड हीरो और हीरोइन को तैयार करता था द जूनियर असिस्टेंट द मेन कमेडियन और जो जूनियर असिस्टेंट था वो मेन कमेडियन को तैयार करता था एंड सो फोर्थ और आगे आगे मतलब फोर्थ में आगे आगे इस तरीके से ये क्रम चलता रहता था तो ये एक हर जो थी वो मेंटेन की गई थी ये नहीं कि कोई होच पोच था काम के अंदर कुछ ऐसा गड़बड़ हो रहा था कि किसी को काम नहीं पता किसको क्या करना है किसको क्या करना है प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता था जिसके अकॉर्डिंग वो काम किया करती थी द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय जो ऑफिस बॉय होता था जो और जो प्लेयर वहां पे प्ले करते थे क्राउड होता था चाहे वो डांस के लिए हो सकता था या किसी प्ले के लिए हो सकता वो ऑफिस बॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि उसको वो तैयार करे इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमनी स्टूडी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय और ये भी लिखा गया है यहां पर कि ये बता रहे हैं ऑथर कि इवन द मेकअप डिपार्टमेंट मेकअप डिपार्टमेंट में भी जैमनी स्टूडियो में एक ऑफिस बॉय होता था जो कि सारा इन चीजों का ध्यान रखा जाता था कहने का मतलब यह है है कि उन दिनों ऑफिस जो है, वो वो कम ही ही रखे जाते होंगे खुद काम कर लेते होंगे वो ऑन द डेज वेन देयर वॉज अ क्राउड शूटिंग और जब क्राउड शूटिंग होती थी यानी ज्यादा लोगों का काम होता था यू कुड सी हिम मिक्सिंग हिज पेंट इन अ जायंट वेसल तो तुम देख सकते थे कि बड़े से बर्तन में उस कलर को मिक्स किया जाता था मेकअप इसको को बना लगाने के लिए एक वेसल बड़ा सा बर्तन आता था उसमें किया जाता था एंड स्लैपिंग स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स और उनके ऊपर जो स्लैप किया जाता था यानी कि थप दिया जाता था लगा दिया जाता था क्राउड जो प्लेयर्स थे जो वो वहां पे काम करने वाले होते थे द आइडिया वॉज टू क्लोज एवरी पॉर ऑन द सर्फेस ऑफ द फेस इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप और उनका आइडिया का मतलब मेन आइडिया ये रहता था कि उनका एक भी सरफेस फेस का एक भी कोना जो स्किन का है वो खाली नहीं रहना चाहिए यानी कि सब पर जो है मेकअप लगा होना चाहिए इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप और जो प्रोसेस जो था वो अप्लाई करते थे यानी लगाते थे उसको एक भी कोना ना छूटे ही वॉज एन एग्जैक्टली अ बॉय वो केवल एक बॉय नहीं था ऑफिस बॉय नहीं था ही वॉज इन हीज अर्ली फोर्टीज वो अपनी अर्ली फोर्टीज यानी उम्र का था हैविंग एंटर द स्टूडियो ईयरस एगो सालों पहले वो जो था एक स्टूडियो में एंटर किया था यानी आया था अब ऑथर किसी एक ऑफिस बॉय की बात कर रहे हैं अगो इन द होप ऑफ बिकमिंग अ स्टार एक्टर और अ टॉप स्क्रीन राइटर वो जो था एक स्टार एक्टर बनने के लिए स्टूडियो के अंदर आया था और अ टॉप स्क्रीन राइटर या तो वो स्टार बने या एक स्क्रीन राइटर बने थे इस था से वो एक आया था डायरेक्टर और लिरिक्स राइटर या तो डायरेक्टर और लिरिक राइटर लिरिक यानी कि जो कविताएं लिखते हैं और फिर वो गाने बनते हैं इस तरीके से कुछ राइटर बनने का ही वॉज बिट ऑफ अ पोइट वो एक केवल एक क्या था पोइट ही था अब यहाँ पर जो था एक व्यक्ति की बात हो रही है लड़के की बात हो एक लड़के की बात हो रही है जो एक सपना लेकर आया था कि वो या तो क्या बनेगा एक्टर बनेगा या टॉप स्क्रीन राइटर बनेगा डायरेक्टर बनेगा या कोई लिरिक राइटर बनेगा यानी कि गाने कविताएं लिखने वाला जो गाने बनाते हैं फिर इस तरीके से कोई ना कोई व्यक्ति अपना एक सपना लेकर जो था वो वहां पे आते थे जर्मनी स्टूडियो में आते थे उसमें से एक व्यक्ति था लड़का था जो ऑफिस बॉय के लिए था ऑफ़ अ पोएट वो केवल एक पोएट ही था इन दोज डेज आई वर्क इन क्यूबिकल टू होल साइड्स ऑफ विच वर फ्रेंच विंडोज कहता उन दिनों जो था मैं जो था एक क्यूबिकल रूम में यानी कि जो इनक्लोज रूम होता डायरेक्टर के साथ वाला एक लगता हुआ कमरा एक फ्रेंच टाइप का यानी कि छोटा सा कमरा टू होल साइड्स ऑफ विच वर फ्रेंच विंडो और जहां पर एक फ्रेंच विंडो जो थी लगी हुई थी बड़ी साइज की टू होल साइज की और वो कमरा जो था ऑथर को मिला हुआ था और वो कमरा उनके साथ अटैच था क्यूबिकल का यहाँ मीनिंग होता है एनक्लोज रूम की साथ में लगा हुआ एक कमरा और वहां पे एक फ्रेंच जो थी विंडो लगी हुई थी वहां पे साइड पे उसके आई डिडंट नो एट दैट टाइम दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज मैं नहीं जानता था कि उनको फ्रेंच विंडोज भी कहा जाता है क्योंकि ऑथर जब आए होंगे तो वो वहां पे स्टूडियो के अंदर जो जो चीजें थी वो उनको भी तो नहीं लगी होंगी ना तो उनके लिए वो भी नई चीज थी तो उनको नहीं पता था कि इनको फ्रेंच विंडोज कहा जाता है और वो आगे कहते हैं कि सीन मी सिटिंग एट माई डेस्क टियरिंग अप न्यूज पेपर डे इन एंड डे आउट और मुझे लोग आते जाते देखते थे क्योंकि बड़ी बड़ी विंडो थी उनको दिख जाता था जो लोग काम कर रहे होते थे आते देखते भी ये तो बैठा हुआ है वहां पर और सिटिंग कर रहा है डेस्क के ऊपर टियरिंग अप न्यूज पेपर अखबारें फाड़े जा रहा है एंड इन डे इन एंड डे आउट दिन रात लगा हुआ है जब भी देखो वो यही काम कर रहा होता था सुबह और शाम का मतलब Most people thought I was doing next to nothing. बहुत से लोग तो ये समझते थे कि मैं तो कुछ काम ही नहीं कर रहा हूँ तो मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है अखबार फाड़ने का कागज फाड़ने का भी कोई काम होता है लोग इस चीज को महत्व ही नहीं देते थे इट इज लाइकली दैट द बॉस थाट लाइक वॉस टू और इसके साथ साथ ये भी था कि बॉस भी यही सोचता था मेरे बारे में कि ये कोई काम है कि जो ये अखबार है ये तो कुछ भी नहीं कर रहा सिर्फ क्या अखबार ही फाड़ रहे काम भी उन्होंने नहीं दिया और उनका सोचना भी था कि वो ये काम कर रहा है सो एनी वन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन वुड बार्ज इन टू माई क्यूबिकल एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर इसी वजह से सो एनी वन सो इसलिए कोई भी फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन की मुझे जो है कुछ काम दे और वो आ जाते मेरे रूम में आ जाते ऑक्यूपेशन वुड बार्ज इन टू माई क्यूबिकल आके सडनली जो थे मेरे बार रूम में आ जाते एंड डिलीवर एंड एक्सटेंडेड लेक्चर और लंबा चौड़ा भाषण दे डालते कि करो, कुछ करो कुछ करो कुछ करो इस काम को यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इस काम को बहुत ही छोटा सा इवन बॉस भी इस काम को बहुत छोटा समझते और कोई भी जो ऐसा सोचते कि इसको कुछ और काम देना चाहिए अचानक से वो मेरे कमरे में आ जाते और लेक्चर डिलीवर करने लग जाते कुछ ना कुछ लेक्चर मुझे देते रहते देते रहते द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट डिसाइडेड जो बॉय था मेकअप डिपार्टमेंट में उसने डिसाइड किया आई शुड बी एनलाइटन ऑन हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट वॉज बींग अलाउड कि मुझे इस चीज का जो है वो ज्ञान होना चाहिए कि, कि, कि कितना एक टैलेंटेड जो व्यक्ति है और उसको अलाउ किया गया है कि ये काम करे और वो अपना टाइम यहां पे वेस्ट कर रहा है अलाउड टू गो वेस्ट इन अ डिपार्टमेंट यानी कि जितना भी व्यक्ति के अंदर कोई गुण होता पर वो उसका गुण वो निखर कर नहीं आ रहा था और उसको दूसरा काम देकर उसके गुणों को वेस्ट किया जा रहा था डिपार्टमेंट फिट ओनली फॉर बार्बर्स एंड परवर्ड्स परवर्ड्स होते हैं कोई स्ट्रेंज सेक्सुअल बिहेवियर वाले लोग या नाचने गाने वाले कर सकते थे कि ऐसे डिपार्टमेंट में तो ऐसे लोग फिट हो सकते थे या तो जो बारबर्स होते हैं या परवर्ड्स होते हैं या नाचने गाने वाले सून आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग यानी कि जो गुणी लोग थे उनको भी ऐसे काम देकर काम करवाया जा रहा था कहता मैंने जल्दी ही मैं भगवान से जो था वो प्रार्थना करता प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग कि ज्यादा लोग जो हैं वो आए शूटिंग के लिए तो मेरे को उसमें थोड़ा फायदा है ऑल द टाइम क्योंकि पूरा समय वो क्राउड शूटिंग के लिए ही ज्यादा वो अच्छा समझते थे नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज कुछ छोटा मोटा जो है काम देकर कोई मेरा जो है कोई बहुत बड़ी मेरी कोई कहानी लंबी चौड़ी पिक्स होती लॉन्ग स्टोरीज नहीं आ रही थी मैं कुछ बचा नहीं पा रहा था कहने का ये तात्पर्य है कि वो अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे इन ऑल इंस्टेंसिस ऑफ फ्रस्ट्रेशन यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर डायरेक्टेड टू वर्ड्स अ सिंगल पर्सन इन सभी फ्रस्टेशन के होते हुए कि तुम पाओगे एंगर डायरेक्टेड टू वर्ड्स अ सिंगल पर्सन की एक जो एंगर है गुस्सा किस तरीके से एक सिंगल पर्सन को डायरेक्ट करता है ओपनली और कवर्टली, कवर्टली होता है सीक्रेटली या तो ओपनली या ढका हुआ कि किसी का भी एंगर वो कैसे जो है बर्दाश्त कर सकता है कैसे डायरेक्ट कर सकता है एंड दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज कन्विंस डेट ऑल हिज वोज इग्नोमिनी एंड निग्लेक्ट वर ड्यू टू मंगलम सुबू और ये सभी चीजें जो थी इस मेकअप मैन के इस डिपार्टमेंट में कन्विंस की जा रही थी दैट ऑल ओवर द ट्रबल्स थी वो उस ट्रबल्स है इग्नोमिनी का मतलब यहाँ पे रहेगा डिसऑनेस्टी है एंड निग्लेक्ट का मतलब है किसी चीज को नकारना उसकी तरफ ध्यान न देना ड्यू टू मंगलम सुबु ये कोठा मंगलम सुबू जो था उसकी वजह से सब कुछ जो था वो जो था निग्लेक्ट होता जा रहा था अब ये कोठा मंगलम सुबू कौन है सुबू वॉस द नंबर टू एट जेमिनी स्टूडियो अब ये वो सुबु था जो कि जेमिनी स्टूडियो में नंबर टू पर आता था ही कुड नॉट हैव वो वहां पर काम करने का एक वाला सदस्य वो ही कुड नॉट हैव हैड है मोर एनकरेजिंग ओपनिंग उसका कुछ अच्छा खासा एनकरेजिंग वो नहीं था ओपनिंग जो हुई थी उसकी यानी उनका आना काम करना इतना अच्छा हैड अ मोर कुड नॉट हैव अ मोर इनकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म फिल्म में भी बहुत ज्यादा कुछ अच्छा इंकरेज नहीं कर पाया था यानी कि बहुत अच्छी पोजिशन पर नहीं आ, ला पाया था अपने आप को देन अवर ग्रोन अप मेकअप बॉय है जो हमारा मेकअप बॉय है उससे ऑन द कॉन्ट्रेरी उसके ऑपोजिट यानी कि उसके दूसरी तरफ ही मस्ट हैड टू फेस मोर अनसर्टेन एंड डिफिकल्ट टाइम उसने अपने समय में बहुत ही अनसर्टेन का मतलब है की कि बिना किसी व्यक्तित्व के और डिफिकल्ट टाइम को सिचुएशंस को जो था हैंडल किया था उसने उसने बहुत सारी जो थी ऐसी डिफिकल्टीज को फेस किया था फॉर वेन ही बिगैन हिज करियर जब उसने अपना सुबह ने अपना करियर शुरू किया देर वर नो फॉर्मली एस्टैब्लिश फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज और स्टूडियो उन दिनों कोई भी इतना एस्टैब्लिश uh, जो थी फॉर्म्स नहीं थी प्रोड्यूसिंग कंपनी नहीं थी स्टूडियोज नहीं थे इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन और इसके साथ साथ जो पढ़ाई लिखाई के बारे में बात है शिक्षा की बात करते थे उस मैटर उस को ले तो स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो भी ऐसा नहीं था हैव एन एन लीड ओवर बॉय और जो वो कट पे काम करने वाले लोग थे कोई अप्रिशियबल जो लीड नहीं था यानी कि इतना कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पाया था वो वहां पर आके सुबह वो भी वहां पे स्टूडियो में था बट बाय वर्च्यू ऑफ बींग बोर्न अ ब्राह्मीन यहाँ पर इसका जो वर्च्यू था ये मतलब गुण था ये उसको फायदा कर गया कि वो एक ब्राह्मीण फैमिली से में पैदा हुआ था तो लोग उसको जानते थे कि वो ब्राह्मीण घर से है वर्च्यू ये उसका गुण जो था उसको फायदा कर दिया इंडीड वास्तव में ये उसकी जो पैदाइश थी ब्राह्मण के घर से ये उसको फायदा देगी ही मस्ट हैड एन एक्सपोजर टू मोर एफ्लुएंट सिचुएशन तो उसको जो एक्सपोजर मिला वेल टू डू डूट मींस वेल टू डू फैमिली का सिचुएशन का यहां पर वो फायदा उठा गया इस चीज का अदरवाइज उसको अभी कुछ इतना अच्छा फायदा नहीं हो रहा था एंड पीपल और लोग जो थे ही हैड द पिल्डी टू लुक चेयरफुल एट ऑल टाइम्स इवन आफ्टर हैविंग हैड इन फ्लॉफ फिल्म और वो इस तरीके का व्यक्ति था उसके अंदर एक ऐसा गुण था कि वो हमेशा ही खुश रहता था हंसता रहता था मुस्कुराता रहता था यानी कि हर चीज को पॉजिटिव ले जाता था इवन आफ्टर हैविंग हैड अ हैंड इन अ फ्लॉप फिल्म जबकि उसके हाथ में वो जो काम भी करता था अगर उसकी कोई फिल्म फ्लॉप भी हो जाती थी ना तो भी वो मुस्कुराता रहता था वो कभी इस बात को सीरियसली नहीं लेता था ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी वो हमेशा दूसरे के लिए काम करता रहता था He could never do uh, things uh, on his own. वो अपने लिए कुछ नहीं कर सक पाता था मतलब अपने लिए नहीं करता था दूसरों की मदद के लिए जाता रहता था बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद हिज प्रिंसिपल कम्पलीटली और जो उसकी सेंस ऑफ लॉयल्टी थी यानी कि वो जो काम करता था वफादारी का उससे उसकी आइडेंटिफाई होगी उसने अपने आप को तो जगह बना ली विद हिज प्रिंसिपल कम्पलीटली एंड टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी टू हिज प्रिंसिपल एडवांटेज और वो जो करता था प्रिंसिपल का मतलब है उसका बॉस और कम्पलीटली उसने अपनी आइडेंटिटी प्रिंसिपल के सामने अच्छी बना ली लॉयल्टी दिखाई और अपने आप की अपनी क्रिएटिविटी से अपने प्रिंसिपल का एडवांटेज कर जाता यानी कि फायदा भी उठाता उसका भी उठा लेता और खुद भी उठा जाता ही वॉज अ टेलर मेड फॉर फिल्म टेलर मेड प्रोवर्ब है यहाँ पर इसका मतलब है कि बिल्कुल फिट जैसे कि टेलर फिट कपड़ा बनाता है एक, बिल्कुल एक्सपर्ट फिट कपड़ा हो जाता है इसी तरह से वह एक एक्सपर्ट पर्सन था हियर वॉज अ मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड और यहाँ वो आदमी था जो कोई भी उससे इंस्पायर हो सकता था वेन कमांडेड जब भी उसको कमांड किया जाता था यहां पर एक एग्जाम्पल है यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा एग्जाम्पल है क्योंकि प्रोड्यूसर डायरेक्टर उसको कुछ न कुछ इस तरीके का काम करके वो दिखा देता था उनको जिससे वो सबकी नजरों में आ जाता था वो एक अच्छा आदमी था सुबह द रेड फाइट एंड द टाइग्रेस अंडर वाटर एंड किल्स हर बट टेक्स पिटी ऑन द कब्स एंड टेंट्स दैम लविंगली कि रैट की फाइट है टाइग्रेस के साथ अंडर वॉटर पानी के अंदर एंड किल्स हर बट टेक्स पीटी उसको मारती है पर वहां पर वो दया दिखाती है किस पर रैट दया दिखाता है किस पर ऑन द कब्ज और वो टाइगरेस के कब्स पर एंटेंड लविंगली और उसको बड़ा प्यार के साथ सहलाते हैं पाल उसका ध्यान रखते हैं आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन मुझे नहीं पता ऑथर कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि सीन कैसे करना है कि कैसे ऑपोजिट जो है दिखाए हुए हैं इसमें सीन में कि एक रैट की फाइट है वो भी टाइग्रेस के साथ अंडर वाटर में जिस पर वो जो है रैट जो है उसके बच्चों को कब कब्ज जो होते है टाइग्रेस को उसके को टेंड करता है उसको प्यार से संलाता है ना कि उसमें उसकी फाइट है बिल्कुल अलग ही कंट्रास्ट दिखाया गया था सीन में ई डोन्ट नो हाउ टू डू द सीन मुझे नहीं पता कहते कैसे सीन करना है द प्रोड्यूसर वुड से एंड सेबू जैसे प्रोड्यूसर कहते सुबू वुड कम आउट विद फोर वेज सुबू के पास चार चार तरीके थे जिससे वो निकाल कर ले आता ऑफ द रैट पॉरिंग अफेक्शन ऑन इट्स ऑफ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग भी बच्चों के लिए कब्ज के लिए वो चार चार तरीके निकाल कर ले आता कि रैट पॉवरिंग कर रहा है फैक्शन कर रहा है अपना लाड दिखा रहा है उनके ऊपर किस पर ऑन इट्स विक्टेम्स ऑफ स्प्रिंग और उस शिकारी के बच्चों पर यानी टाइगरस के बच्चों के ऊपर गुड बट आई एम नॉट श्योर इट इज इफेक्टिव इनफ ताकि मैं श्योर नूं कि ये प्रभाव दिखाएगा फिल्म के अंदर ये सीन द प्रोड्यूसर वुड से एंड इन अ मिनट प्रोड्यूसर ऐसा कहते और सुबह वुड कम आउट विद फोर्टीन मोर ऑल्टरनेटिव इतने में तो सुबह चौदह और नए नए ऑल्टरनेट निकाल कर ले आता और फिर जो था वो प्रोड्यूसर को दिखा देता है इस तरीके से इस काम से जो लोग थे सुबह को पसंद करते थे प्रोड्यूसर उसको पसंद करने लगा फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड सो इजी विद अ मैन लाइक सुबह और जो फिल्म मेकिंग थी फिल्म को बनाना था एक अवश्य ही वो एक बहुत इजी हो गया था यानी कि बहुत ही आसान हो गया था विद अ मैन लाइक सुबह ऐसे सुबु जैसे व्यक्ति के आगे अराउंड एंड इफ एवर देयर वॉज अ मैन हु डायरेक्शन एंड डेफिनेशन टू जैमनी स्टूडियो ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर्स अगर कोई है डायरेक्शन देने वाला तो डेफिनेशन अगर हम दे, तो देने वाला कि उसके गोल्डन ईयर्स में जेमनी स्टूडियो में तो वो था इट वॉज सुबु और वो सुबह था कहने का मतलब ये है कि जो ऊंचाइयों पर ले जाने वाला वो इतना बड़ा कलाकार नहीं था बहुत बड़ा हीरो नहीं था पर वो जो भी कार्य करता था उसमें जान डालने देता था जिसके कारण उसका काम और उसका जो काम था वो सबको अच्छा लगता था वो प्रिंसिपल की यानी बॉस की नज़रों में बहुत अच्छा था उस उनके उस गोल्डन ईयर्स में वो जो भी डायरेक्शन और डेफिनेशन अगर आती थी किसी व्यक्ति की तो वो सुबह की आती थी सुबह हैड अ सेपरेट आइडेंटिटी एज अ पोएट एंड दो ही वॉज सर्टेनली कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म जो सुबह था वो एक सेपरेट आइडेंटिटी थी एक अलग से उसकी एक पहचान थी किसकी पोएट की एंड ही वॉज सर्टेनली कैपेबल और वो वास्तव में ही इसके योग्य था मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म और अलग ही तरीके से जटिल तरीके से हायर फॉर्म में था यानी जिस कार्य को हाथ में कर जाता ही चोज टू एड्रेस पोइट्री उसने जानबूझकर इस पोइट्री को चोज किया हिज पोइट्री टू द मासिस मीन्स पब्लिक तक जाने के लिए उसने उस पोएट्री को चूज किया हिज सक्सेस इन फिल्म ओवर शेडोड एंड डार्फ हिज लिटरेरी अचीवमेंट उसकी जो सक्सेस थी वो फिल्मों में उससे उसकी जो पोइट्री थी वो ओवरशेडो हो रही थी और डाफ थी छोटी होती जा रही थी जो थी वो छोटी थी इस लिटरेरी अचीवमेंट के आगे और सो हिज क्रिटिक्स फेल्ट और जो उसके जो क्रिटिक्स थे जो जज करते थे उसको वो ऐसा सोचते थे ही कम्पोज सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी उसने बहुत सारी ओरिजिनल स्टोरी कम्पोज किया ट्रू थी जो कि नॉवल्स थे थिलाना महा नाम्बाल विद डेफ्टली एच और इस तरीके से थिलाना मोहाना अम्बाल विद डजन ऑफ वेरी डेफ्टली एक्ट जो थी उसने उन नॉवल्स को जो था लिखा करेक्टर्स थे उसके अंदर डेफ्टली एक्ट मीन्स काफी सारे जो थे स्किलफुल करेक्टर्स थे डेफली एच मीन स्किलफुल करेक्टर्स जो थे वो थे ही क्वाइट सक्सेसफुली रिक्रिएटेड द मूड उसने बड़ा ही आसानी से स्किलफुली इस जो था इसको रिक्रिएट करा मूड्स को एंड मैनर ऑफ द देवदासीज ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी और उस मैनर को देवदासीज के जो नर्स थे उसको जो ट्वेंटियथ सेंचुरी में वहाँ पे थे साउथ में देवदासियां हुआ करती थी वो लोग देवदासियां जो थी मंदिर में दान कर दी जाती थी लड़कियों को और वहीं पर वो सेवा करती थी उनको देवदासी कहा गया ट्वेंटी सेंचुरी में साउथ में ऐसा बहुत पाया गया है ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर वो एक बड़ा ही अमेजिंग एक्टर था ही नेवर एस्पायर टू लीड रोल्स उसने कभी डिजायर नहीं किया कि वो लीड रोल को जो है निभाए बट वेन एवर सब्सिडरी रोल ही प्लेड इन एनी ऑफ द फिल्म ही परफॉर्म बेटर दैन द सपोज मेन प्लेयर पर जब भी उसको सहायक रोल मिले यानि असिस्टेंट के रोल मिले उसने फिल्म में निभाए ही परफॉर्म बेटर दैन दपोज मेन रोल उसने बहुत अच्छे से उसको परफॉर्म किया बेटर किया जो प्लेयर में जो था ये फिल्म में जो मेन प्लेयर

उसका जो घर था एक परमानेंट रेजिडेंस बन गया था डजन जो नियर एंड डियर वंस थे फार रिलेशंस में थे उसके दूर के रिश्तेदार उसके पास के रिश्तेदार उसके जानकार कार होते कोई जान पहचान वाला सब उसके घर में परमानेंट पड़े रहते थे इट सीम्ड अगेन सुबूस नेचर टू बी इवन कॉन्शियस इससे प्रतीत पता चलता है कि जो सुबू का नेचर था बड़ा ही कॉन्शियस uh, था वो बड़ा uh, खुश रहता था सचे, सचेत रहता था एंड ही सो मैनी ऑफ और सबको खिलाता पिलाता रहता था सपोर्ट करता रहता खाना पीना उसके घर में चलता ही रहता था सच अ चैरिटेबल एंड प्रोविडेंट मैन और सच ए चैरिटेबल यानी कि दान देने वाला खिलाने पिलाने वाला और इम प्रोविडेंट होता है जो खर्चीला होता है जो बेहद घर पैसे को उड़ाता रहता है इसी तरीके से था तभी तो लोग उसके घर पड़े रहते थे अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा खर्चा करता है तो उसके आसपास लोग मंडराते ही रहते हैं तो इस तरीके का था सुबू और जो करेक्टर करता था उसमें भी घुस जाता था अपने बॉस के साथ भी अच्छा बना रहता था एंड येट ही हैड एनमी फिर भी उसके बड़े ही दुश्मन थे वॉज इट बिकॉज ही सीम्ड सो क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस क्या ये ऐसा था कि उसके वो अपने बॉस के बहुत ही करीब था और इंटीबेट था मतलब लविंग था उसका काम कर देता था तो बॉस को अच्छा लगता था इसी वजह से क्या उसके एनिमी भी थे और वॉज इट हिज जनरल डेमिन्योर मींस उसका अपियरेंस ही ऐसा था दैट रिजेंबल्ड अ साइको फेंड्स होता है फ्लैटर टू गिव टू टेक बेनिफिट ऐसा फ्लैटरिंग करना ताकि उसका अपना कुछ फायदा हो जाए यानी फ्लैटरिंग हम किसकी करेंगे बॉस की करेंगे ना और डेमिन्योर होता उसका अपियरेंस ऐसा था कि वो फ्लैटरिंग करता था उसकी मतलब चापलूसी करता था और हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग और रेडीनेस मतलब तैयार रहता था तत्पर रहता था नाइस थिंग का मतलब है ये भी एक प्रोवर्ब है कि प्रेस करना किसी की बात बात पे किसी को प्रेस करना बात रेडी रहना अबाउट एवरी थिंग जिससे लोगों का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित होना ये भी एक लोगों के अंदर एक गुण होता है क्रिएटिविटी कह सकते हैं आजकल हम इसको क्रिएटिविटी कहते हैं गुण है कि आप खड़े खड़े किसी की तारीफ कर दें ताकि लोगों का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित हो जाए इन एनी केस देर वॉज दिस मैन देयर वॉज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट हु वुड विश द डायरेस्ट थिंग फॉर सुबू इसी तरीके इसलिए था देर वॉज अ मैन इन मेकअप डिपार्टमेंट में हु वुड विश टू डायरेस्ट की यहाँ से ये चला जाए इसके साथ थिंग्स फॉर सुबु कभी कभी चीजें उसके लिए खतरनाक हो जाती थी सुबह के लिए क्योंकि उसका जो काम करने का तरीका होता था उससे जो उसका बॉस था वो आकर्षित हो जाता था लोग आकर्षित हो जाते थे पर कहीं कहीं उसके लिए डायरेस्टिंग हो सकता था बड़ा ही खतरनाक हो जाता था सुबह के लिए युसा सा ऑलवेज विद द बॉस बट इन द अटेंडेंस रोल ही वॉज ग्रुप्ड अंडर अ डिपार्टमेंट कॉल द स्टोरी डिपार्टमेंट कॉम्प्राइजिंग अ लॉयर एंड एन असेंबली अब ये बात है की यू सॉ सुबू ऑलवेज विद द बॉस की सुबू जो था हमेशा बॉस के साथ था बट इन द अटेंडेंस रोल टेंडेंस रोल में ही वॉज ग्रुप्ड अंडर अ डिपार्टमेंट उसको एक डिपार्टमेंट में डाला गया था कॉल्ड स्टोरी डिपार्टमेंट कंप्राइजिंग मीन्स रहेगा कंटेनिंग एक स्टोरी डिपार्टमेंट वाला भाग था वहां पर मतलब ऑफिस था उसी जैमनी स्टूडियो के अंदर उसमें उसको डाला गया था तो जो कंटेन कर रहा था यानी की उसमें उसका जो संभाल रहा था उसको अ लॉयर एंड एन असेंबली ऑफ राइटर्स एंड पोएट उसको जो काम कर रहे थे उसको संभालते थे उसमें एक लॉयर था सेम्बलीफ राइटर्स था और पोएट्स थी द लॉयर वॉज ऑल्सो ऑफिशियली नोन एज ए लीगल एडवाइजर क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी में इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में वकील तो होना जरूरी बनता था तो एक लॉयर लॉयर यानी की वकील जिसको सारी सारे लॉ का ज्ञान है सबका पता है कि कैसे किस चीज को रखना है लॉयर वॉज ऑलवेज ऑफिशियली नोन एज ए लीगल एडवाइसर जो उनको हमेशा लीगल एडवाइसर देता रहता था कंपनी को उस ऑर्गेनाइजेशन को बट एवरीबडी रेफर्ड टू हिम एज द अपोजिट हर कोई उसको अपना ऑपोजिट समझता था कि ये हमारी शायद शिकायत कर देता है ये हमारा काम ऐसे करता है एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस एक बहुत ही अच्छी कलाकार जो टैलेंट से भरी हुई थी हु ऑल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल जो कि मूडी थी यानी कि एंगरली जल्दी से गुस्सा आने वाली थी वंस ब्लू ओवर ऑन द सेट्स ब्लू ओवर मतलब गुस्से से फूट पड़ी ये वही शब्द हैं जो यहां पर आ रहे हैं जो आपने स्टार्टिंग में पढ़े हैं. ये वही प्रोवर्ब्स अब यहां पर यूज हो रही है वंस ब्लू ओवर ऑन द सेट्स एक बार गुस्से से फूट पड़ी सेट पर वाइल एवरी वन टूड स्टंड रह गया द लॉयर क्वाइटली स्विचड ऑन द रिक्डिंगमेंट और जो लॉयर था उस डिपार्टमेंट का उसने जल्दी से जो था रिकॉर्डिंग वाला बटन दबा दिया स्विच ऑन कर दिया इक्विपमेंट को वेन द एक्टरेस पॉस्ट फॉर ब्रेथ जब वो सांस लेने के लिए रुकी थोड़ा सा रोका द लॉयर सेट टू हर लॉयर ने उससे कहा वन मिनट प्लीज एंड प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग और मिनट आप रुकिए और प्लीज और फिर उसने वो रिकॉर्डिंग चला दी देर देर वॉज नथिंग इनक्रिमिनेटिंग और अनमेंशनेबली फाउल अबाउट द एक्ट्रेस डायरेक्ट अगेंस्ट द प्रोड्यूसर देर वॉज नथिंग इनक्रिमिनेशन का मतलब है उस पर कोई दोष जो था लगाया गया था और अनमेंशनेबली बिना सोचे समझे मेंशन किए यानी कि बिना सोचे समझे फाउल गलत अबाउट द एक्ट्रेस टाइरे जो एक्ट्रेस की जो था स्पीच टाइरे स्पीच में से जो निकल गया था यानी कि उसने जान ऐसा कुछ नहीं कुछ गलत बोला था उसने किसके बारे में प्रोड्यूसर के बारे में अगेंस्ट द प्रोड्यूसर कहने का मतलब है उसने गुस्से में कुछ बोला पर प्रोड्यूसर के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोला और वो स्पीच में पाया भी नहीं गया क्योंकि वो रिकॉर्डिंग में तो वो दोषी नहीं ठहराई गई थी बट वेन शी हर्ड हर वॉइस जब उसने अपनी आवाज को सुना अगेन थ्रू द साउंड इक्पमेंट उस साउंड इक्विपमेंट में से जब उसने अपनी आवाज को दोबारा सुना शिव स्ट्रक डम वो बिल्कुल ही स्तब्ध रह गई यानी कि वो उसको इस बात की बड़ी हैरानी भी हुई कि यह कैसे हो गया अ गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड वो जो हिरोइन थी गर्ल थी वो कंट्री साइड से आई थी देहात की थी शी हेड नॉट गोन थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ वर्ल्ड एक्सपीरियंस उसके पास दुनियादारी का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था वो रातों रात स्टार बन गई थी देट जनरली प्रोसीव to come before generally precede a position of importance and sophistication that she had found herself catapulted into orvojoti बिल्कुल शी हैड नॉट गॉन थ्रू ऑल द स्टेजेज ऑफ वर्ल्ड एक्सपीरियंस दैट जनरली प्रोसीड मीन्स कम बिफोर वो उस पोजीशन से नहीं आई थी इम्पोर्टेंस से एंड सोफिस्टिकेशन से उस कल्चर से दैट शी हैड फाउंड हर सेल्फ कैटापुलेटेड इन उसने उसको एकदम से खींच लिया था किसको शोहरत को खींच लिया था उसके पास कोई वर्ल्डली एक्सपीरियंस नहीं था जिस वजह से वो रातों रात तो वो हीरोइन तो बन गई पर उसके अंदर वो कल्चर नहीं था सोफिस्टिकेशन नहीं था शी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर वो उस रिकवर उस टेरर से बाहर ही नहीं निकल पाई शी दैट दे जो उसने उस दिन महसूस किया कि वो क्या बोल गई चाहे उसने गुस्से में कुछ नहीं बोला दैट वॉज दैट वॉज द एंड ऑफ अ ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग करियर वो जो दिन था उसका जो ब्रिलियंट करियर था वो उस दिन समाप्त हो गया द लीगल एडवाइजर हु वॉज ऑल्सो मेंबर ऑफ स्टोरी डिपार्टमेंट वो एक लीगल एडवाइजर यानि कि वो वकील जो कि मेम्बर था स्टोरी डिपार्टमेंट का हैड अनविटिंगली अनकॉन्शियसली ब्रॉट अनविटिंगली मीन्स अनकॉन्शियसली ब्रॉट अबाउट दैट सैड एंड वो बिना जाने जाने उस लड़की का जीवन का उसका जो करियर था उसने तबाह कर दिया और एंड पर ले आए वो एक बड़ा सैड एंड था जो कि ऑथर को शायद अच्छा नहीं लगा वाइल एवरी अदर मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट वो अ काइंड ऑफ यूनिफॉर्म अब ये यहां पर यूनिफॉर्म खादी की बात उन्होंने बताई है इस राइटिंग में कि जो डिपार्टमेंट था वो एक काइंड ऑफ खादी यूनिफॉर्म जो पहनता था खादी धोती विद स्लाइटली ओवर साइज एंड क्लम्सली टेलर्ड व्हाइट खादी शर्ट और वो और क्या नीचे तो खादी वाला धोती पहनते थे और ऊपर से स्लाइटली ओवर साइज थोड़ा बड़ा बड़ा खुला खुला सा क्लम्सली से दो तो देखने में बड़ा टेलर्ड ना हो क्लम्सली टेलर्ड क्या मतलब बड़ा अच्छी तरीके से सिलाई नहीं करी गई सा व्हाइट खादी जो शर्ट वहां पे लोग पहनते थे द लीगल एडवाइजर वो पैंट और जो एडवाइजर था वहां का वकील था वो एक पैंट पहनता था एंड अ टाई एंड टाइम अ कोट एंड लुकड लाइक अ कोट ऑफ मेल और ऐसे लगता था कि उसने पैंट पहनता एक टाई पहनता और समटाइम कोट पहनता था कभी कभी कोट पहनता था ऐसे लगता था जैसे डाखाने में काम करने वाला जो मेल में काम करने वाले होते हैं वैसे दिखाई देता था बाकी सभी लोग क्या पहनते थे एक खादी धोती और ओवर साइड क्लम्स टेलर व्हाइट खादी शर्ट पहनते थे या, यानी कि कहने का अभिप्राय यह है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में उनके डिपार्टमेंट में स्टोरी डिपार्टमेंट में एक जो था पैटर्न बना हुआ था जिसमें वो यूनिफॉर्मिटी दिखाई थी किसकी खादी की और उसमें जो वकील था उसको भी एक टाई पैंट और जो था वो पहन के जाना पड़ता था वो एक मेल की तरह दिखाई देता था, था यानी कि डाखाने वाले व्यक्ति के जैसा समझ सकते हैं ऑफन ही लुकड अलोन एंड हेल्पलेस अक्सर वो क्या था अकेला दिखाई देता था और हेल्पलेस दिखाई देता था अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन अ क्राउड ऑफ ड्रीमर्स क्योंकि वहां पे तो सभी ड्रीमर्स थे उन उन सपनों की दुनिया थी क्योंकि फिल्म की दुनिया जो होती है वो एक सपनों की दुनिया होती है उस क्राउड में उस ड्रीमर में वो क्या था कोल्ड लॉजिक था नो no ह्यूमन कंसर्न और बिहेवियर मतलब उसका कोई दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है इसे अपने काम से रखने वाला व्यक्ति कोडोलॉजिक उसको कहा गया है अ क्राउड ऑफ ड्रीमर उस भीड़ में उस सपनों की भीड़ में वो एक ऐसा व्यक्ति था अ न्यूट्रल मैन इन एन असेंबली ऑफ गांधी टीज गांधी टीज और एक न्यूट्रल मैन था ना इधर का ना उधर का बिल्कुल न्यूट्रल जैसे गाड़ी में न्यूट्रल होता है मैन इन एन असम्बली ऑफ गांधी उन दिनों गांधी क्योंकि 1940 की बात है उन दिनों गांधी जी का बहुत ही ज्यादा Uh, वो था क्योंकि जो कांग्रेस थी वो उन दिनों बहुत ही एक्टिव थी क्योंकि वो इंडिपेंडेंस के लिए जो स्ट्रगल कर रहे थे उसमें वहां पे गांधी जी का बड़ा प्रभाव था सब पूरे देश में इसलिए वो वैसे कपड़े पहनते थे एंड खादीज खादी टीज थी गांधी जी और खादी टीज क्योंकि गा, महात्मा गांधी ने खादी को, खादी को बहुत महत्व दिया सिग्निफिकेंट दिया कि खुद के लाइक सो मैनी ऑफ दोस्ट

और पैनकेक का जो मेकअप थे वो था यूज इट नॉट मच केम ऑफ द फिल्म फिल्म से ज्यादा कुछ ऐसा नहीं आया था यानी कि वो ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाए थे देन वन डे द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट एंड दिस वॉज परहैप्स द ओनली इंस्टेंस इन ऑल ह्यूमन हिस्ट्री वेयर अ लॉयर लॉस्ट इज जॉब बिकॉज द पोयट्स वर आज टू गो होम और तब एक दिन बॉस ने स्टोरी डिपार्टमेंट को क्लोज करने का सोचा और कर दिया एंड दिस वॉज परहेप्स द ओनली इंस्टेंस और यही एक ऐसा घटना थी इंस्टेंस था इन ऑल ह्यूमन हिस्ट्री की ह्यूमन हिस्ट्री में वेयर द लॉयर लॉस्ट इज जॉब जो लॉयर को भी अपनी जॉब छोड़नी पड़ी बिकॉज द पोएट्स वर आज टू गो होम और पोएट्स को कहा कि वो घर वापस चले जाएं। जैमनी स्टूडियो वॉज द फेवरेट हॉन्ट ऑफ पोएट्स लाइक एस डी एस योगर जेमनी जो स्टूडियो था वो फेवरेट हॉन्ट था प्लेस था एक ऐसा पोएट्स के लिए कि जो वो वहां आते थे उनमें से कुछ एक के नाम है एस डी एस योग है सांगू सुब्रमण्यम है कृष्णा शास्त्री एंड हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ये सभी के सभी कवि जो थे वहां आ जाया करते थे इट हैड एन एक्सीलेंट मेस वहां पर एक बहुत ही अच्छा मेस था यानी कि कैंटीन थी सप्लाइड गुड कॉफी जो कि कॉफी बहुत अच्छा सप्लाई करती थी एक बात यहाँ बता दे कि ये स्टोरी जो है ये मद्रास की है इसलिए वहां पे लोग कॉफी ज्यादा पीना पसंद करते हैं इसलिए कैंटीन में कॉफी दी जाती थी एट ऑल टाइम्स ऑफ द डे सारा दिन एंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट और रात को भी कुछ समय तक बहुत समय तक रात के समय भी कॉफी मिला करती थी वर द डेज वो दिन थे जब वेन कांग्रेस रूल मेंट प्रोहब एंड मीटिंग ओवर अ कप ऑफ कॉफी वॉज रादर सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट उन दिनों एक ऐसा रूल बना दिया गया था कि ज्यादा लोग मीटिंग ना कर सके तो एक कप कॉफी के लिए बुलाकर और जो है मीटिंग कर ली जाती थी और एक एंटरटेनमेंट हो जाता था जो सेटिस्फाई कर देता था क्योंकि अंग्रेजों के समय वो 1940 की बात है ये स्टोरी में तो उन दिनों ये बहुत ही स्ट्रिकनेस लगा दी जाती थी कि ज्यादा लोगों को मीटिंग में ना बुलाया जाए या ज्यादा लोगों को इकट्ठा करना प्रोहिबिशन में था Bearing the coffee office boy bearing means except the office boy and a couple of clerks everybody else at the studio radiated layer or jo a couple of clerks kuche clerk or everybody else at the studio jo bhi tha studio may radiated layer radiated means send out there. एंड अ प्री एक प्री रिक्वायरमेंट थी नीड थी फॉर पोएट्री पोएट्री की आवश्यकता थी मोस्ट ऑफ देम वोर खादी एंड वर्शिप्ड गांधी जी और गांधी जी को सभी वर्शिप करते थे उन दिनों क्योंकि उन दिनों आंदोलन चला करते थे वो भारत को आजादी कराने के लिए इसलिए खादी का भी प्रयोग किया जाता था महात्मा गांधी को भगवान माना जाता था वर्शिप आया है वर्शिप उसके लिए कहते हैं जब हम भगवान की पूजा करते हैं बट बियॉन्ड दैट दे हैड नॉट द फेंटेस्ट एप्रिशिएशन पर वो इतना एप्रिशिएशन उनमें से नहीं था वो सिर्फ कपड़े ही पहनते थे अंदर उनकी आत्मा में ऐसा कुछ नहीं था कि वो गांधी जी के अनुयायी हैं। फॉर पॉलिटिकल थॉट ऑफ एनी काइंड और उनके अंदर कुछ पॉलिटिकल थॉट्स नहीं थे नेचुरली वर ऑल अवर्स ऑफ टू द टर्म ज और वो नेचुरली जो थे अवर्स मीन अगेंस्ट थे डिसलाइक करते थे क्यूमनिज्म को भी उन दिनों क्यूमनिज्म भी बहुत जोरों पर था अक्यूम्युनिस्ट वॉज अब जो क्यूमनिस्ट कौन क्यूमनिज्म क्या होता है क्यूमनिज्म वो होता है जिसमें सभी लोगों को बराबर का हक दिया जाता है और उसमें से एक जो क्यूमनिस्ट था वॉज अ गॉडलेस मैन एक ऐसा व्यक्ति था जो की भगवान को नहीं मानता था ही हैड नो फिलेल और कंजुगल लव फिलेल मीन्स कि जो अपने बच्चों से ही भी प्यार ना करे और कॉन्जूगल लव मीन्स पति पत्नी का जो प्यार था वो भी नहीं था क्यूमिनिस्ट ऐसे होते थे उन दिनों में ही हैड नो कंपंक्शन अबाउट किलिंग इज ओन पेरेंट्स उसको कम्बंशन मीन्स गिल्ट यानी कि कोई भी दुख नहीं होता था अगर अपने, उसके खुद के माँ बाप को भी मार दिया जाए किसी क्यूमिनिस्ट को तो उनको उस चीज का भी दुख नहीं होता था कि मेरे माँ बाप को मार दिया गया है और इस चिल्ड्रन और उनके बच्चों को कहने का तात्पर्य यह है कि क्यूमिनिस्ट लोग ऐसे होते थे उनको ना तो अपने बच्चों से प्यार होता था ना अपनी पत्नी से होता था ना माँ बाप से चाहे उनको कोई मार ही डाले ही वॉज ऑलवेज आउट टू कॉज एंड स्प्रेड अनरेस्ट एंड वॉयलेंस अमंग इनोसेंट एंड इग्नोरेंट पीपल और वो क्या करते थे हमेशा ये फैलाए रखते थे एक तो अनरेस्ट फैलाए रखते थे जिसको हम अशांति कहते हैं वॉयलेंस करते थे हिंसा करते थे तोड़फोड़ फोड़ करना मारपीट करना अमंग इनोसेंट एंड इग्नोरेंट पीपल और जो इनोसेंट पीपल होते थे इग्नोरेंट पीपल जिनको कुछ पता भी नहीं होता था कि पॉलिटिक्स क्या होती है ऐसे लोगों पर वो अत्याचार करते थे और उनको परेशान करते थे सच नोशंस विच प्रीवेल्ड एवरीवेयर इन द साउथ इंडिया कुछ इस तरीके के बिलीफ जो थे वो निकलकर बाहर आ रहे थे हर जगह फैल रहे थे कहाँ पर साउथ इंडिया में यानी मद्रास में एट दैट टाइम उस ऑल्सो उस समय ऐसी जो चीजें निकल कर आ रही थी जो कम्युनिस्ट को जो थे वो वायलेंस कर रहे थे और महात्मा गांधी जी को फॉलो किया जा रहा था क्योंकि लोग खादी पहनने लग गए थे नेचुरली फ्लोटेड इन साउथ इंडिया एट दैट टाइम ऑल्सो नेचुरली फ्लोटेड अबाई वेगली अमंग द खादी क्लैड पोइट्स ऑफ जर्मनी स्टूडियो और जो था अनक्लियर सा था कुछ नेचुरली ऐसा हवा में फैला हुआ था जो कि अनक्लियर था क्योंकि वो खादी क्लैड जो पोइट्स होते थे यानी खादी पहन के कवि बने हुए थे ऑफ जर्मनी स्टूडियो में आते थे एविडेंस ऑफ इट वॉज सून फोर्थ कमिंग और उनका जो एविडेंस था प्रमाण थे वो आने वाले दिनों में दिखाई दे जाते थे तो ऑथर ने यहाँ पे क्यूबिनिस्ट का और नेशनलिज्म के बारे में बताया गांधीजम के बारे में बताया खादी के बारे में बताया नेक्स्ट वो अब बात करते हैं विजिटर्स की जो जेमिनी स्टूडियो में आया करते थे वो काफी सारा एक ग्रुप आता था और वो क्या करते थे वो अब हम पढ़ेंगे वेन फ्रेंक Buchman's moral री आर्मामेंट आर्मी जो है समू हंड्रेड स्ट्रोंग मीनस स्ट्रोंग मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जो थे वहां पर विजिटेड मद्रास Sometimes वो विजिट किया करते थे मद्रास में इन 1952 में की बात है दे होस्ट इन इंडिया उनको यह, उनका यहाँ पर कोई अच्छा सा स्वागत नहीं होता था वार्म होस्टिंग का मतलब गर्म जोशी से किसी का स्वागत करना उनको ये यह यहाँ पर नहीं मिला मद्रास में देन द जर्मनी स्टूडियो जो जैमनी स्टूडियो था मद्रास का वहां पे ग्रुप एंड इंटरनेशनल सर्कस किसी ने जो था उनको बुलाया था जो इंटरनेशनल सर्कस एक ग्रुप था उसको बुलाया था दे वर्न वेरी गुड ऑन द ट्रेफिजीज वो जो थे ट्रेफिजीज होती हैं कलाबाजी जैसे करना सर्कस में जो कलाबाजियां की जाती इस तरीके के वो उसमें उस काम में वो स्किलफुल नहीं थे ज्यादा अच्छे नहीं थे एंड देयर एक्वेंसेज विद एनिमल्स ओनली एट द डिनर टेबल और वो जो एनिमल्स थे उनको उनके बारे में भी ज़्यादा नहीं जानते थे और वो उनके उनके उनके, उनके वो प्यार करने की बजाय उनको डिनर पर खाना ज़्यादा पसंद करते थे कहने का मतलब है कि जानवरों को खाना ज्यादा पसंद करते थे उनके से प्यार नहीं रखते थे यानि कि जानवरों को मारना उनके लिए कुछ खास नहीं था आम बात थी बट दे प्रेजेंटेड टू प्लेस इन अ मोस्ट प्रोफेशनल मैनर पर उन्होंने अपने उस कर्तव्य को तो दिखाया नहीं पर दो प्ले कर डाले वहाँ पर जैमनी स्टूडियो में जो कि बड़े प्रोफेशनल मैनर से उन्होंने किया यानी बड़े अच्छे तरीके से किया और दे उनके नाम थे देअर जोथम वैली और उनका नाम था जोथम वैली एंड द फॉरगन फैक्टर रैन सेवरल शोज इन मद्रास इसके कई शो मद्रास में चलाए गए एंड अलोंग विद द अदर सिटीजन ऑफ द सिटी और उनके साथ साथ और जो सिटी के लोग थे लोकल लोग थे उनको भी ले लिया गया द जैमनी फैमिली ऑफ सिक्स हंड्रेड सौ दोर एंड ओवर अगेन और जो जैमनी फैमिली थी वो जो सिक्स हंड्रेड जो लोग थे फैमिली के अंदर जो लोग काम करने वाले थे उस संस्था में उन्होंने उसको बार बार देखा उनको दिखाया जाता था और उनको वो देखना पड़ता था तो उन्होंने वो चीज को देखा द मैसेज ऑफ द प्लेज यूजली प्लेन एंड सिंपल वो मैसेज आता था जब वो प्ले करते थे तो उसका ये मैसेज होता था बिल्कुल ही साधारण सा मैसेज होता था और सिंपल होमलीज होता रिलीजियस होता था वो किसी न किसी अपने भगवान का एक संदेश देकर चला जाता था बट द सेट एंड द कॉस्ट्यूम्स वर फर्स्ट रेट और जो वो कपड़े पहनते थे और उनके जो सेट बने होते थे प्ले के वो फर्स्ट रेट मीन्स एक्सीलेंट एक्सीलेंट होते थे मद्रास एंड द तमिल ड्रामा कम्युनिटी मद्रास एंड द तमिल ड्रामा कम्युनिटी वर टेरिबली इम्प्रेस्ड एंड फॉर सम इयर्स ऑलमोस्ट ऑल तमिल प्लेज हैड अ सीन ऑफ सनराइज एंड सनसेट और जो वहां के जो लोग थे उनको ये कम्युनिटी को बड़ा ड्रामा पसंद आया और उन वो लोग टे, टेरिबली मतलब बहुत बुरी तरह से उनसे प्रभावित हो गए थे और और कुछ सालों तक तो ऑल तमिल प्लेस जो जितने भी तमिल के प्ले होते थे उसमें सनराइज और सनसेट का सीन होता था इन द मैनर ऑफ जोथम वैली जैसा कि वो जोथम वैली में दिखा कर गए थे विद द बेयर स्टेज यानी कि स्टेज होती थी वो तो खाली होती थी और उसमें सनराइज और सनसेट का सीन जरूर होता था वाइट बैकग्राउंड वाइट बैकग्राउंड कर्टन एंड अ ट्यून प्लेड ऑन द फ्लूट और वाइट बैकग्राउंड जो थी उस पर दिखाया जाता था और एक बांसुरी की जो ट्यून जो थी वो बजा दी जाती थी और सनराइज और सनसेट को दिखाया जाता था इट वॉज इयर्स लेटर दैट आई लर्न दैट द एम आर ए वॉज अ काइंड ऑफ काउंटर मोमेंट कुछ एक समय के बाद मुझे पता चला ऑथर थर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कुछ एक वर्षों बाद मुझे पता चला कि मैंने सीखा कि एम आर ए जो है एक प्रकार का काउंटर मूवमेंट है टू इंटरनेशनल क्यूमिज्म का एंड द बिग बॉसेज ऑफ मद्रास जो जो की मद्रास के बिग बॉसेज थे यानी कि बड़े लोग थे लाइक मिस्टर वासन जैसे कि मेरे जर्मनी के थे डायरेक्टर थे मिस्टर वासन सिंपली प्लेड इन टू देयर हैंड और उनके हाथों की एक तरीके से कटपुट लिखे थे आई आई एम नॉट श्योर हाउवर दट दिस वॉज इन डीड द केस में इस बारे में बड़ा श्योर नहीं था की या वास्तव में या ऐसा केस था कोई ऐसी बात थी फॉर द अनचेंजेबल एस्पेक्ट ऑफ दिस बिग बॉसेज और ये अनचेंजेबल जो पहलू था उन बिग बॉसेज का एंड देयर एंटरप्राइजेस रिमेन द सेम और उनकी जो एंटरप्राइजेज मीन ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो रिमेन सेम थी वो सेम रही थी एम और नो एम ये इंटरनेशनल क्यम्युनिज्म एक एम था और एक नो एम इंटरनेशनल क्यम्युनिज्म की जो संस्था थी और नो इंटरनेशनल क्यम्यूनिज्म स्टाफ ऑफ जैमनी स्टूडियो ड ए नाइस टाइम होस्टिंग 200 हंड्रेड पीपल ऑफ ऑल यूज एंड साइज ऑफ एट लीस्ट ट्वेंटी नेशनैलिटीज और जो स्टाफ था जैमिनी स्टूडियो का उनका बहुत ही अच्छा समय था कि उन्होंने होस्ट किया था उन्होंने आवभगत की थी 200 लोगों की जो सभी जातियों के रंग के और जातियों के थे ऑल यूज एंड साइज का मतलब है कलर्स और साइज मीन्स हर जाति के और एटलीस्ट ट्वेंटी नेशनैलिटी और उसमें बीस देश शामिल थे इट वाज